जितने भी ये लोग, ये नौजवान अपनी जानें भी गंवा रहे हैं, ये सब प्रिवेंटेबल है। क्योंकि जहाँ पे भी, जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, हमारी 11 एक्सीडेंट्स हुए हैं बड़े, जिनमें जानी नुकसान हुआ है। मैंने 11 की 11 जगहों पे टेक्निकल ऑडिट किया, कहीं पे भी रोड की कहीं पे गलती नहीं थी। आप समझ रहे हैं सर? बच्चों आप समझ रहे हो, रोड की कहीं पे गलती नहीं थी, ब्लाइंड कर कहीं पे नहीं था। अगर कहीं पे था तो ह्यूमन एरर था, यानी इंसान की गलती थी। तो मैं आज ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबसे कि क्यों ना हम एक कैंपेन चला लें और इस पे बात कर लें कि हम ट्रैफिक के जो कवानीन है उनको ना तोड़े। आप यहाँ पे सब आज पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट चलाना जानते हैं। अगर आप अभी रिसर्च करेंगे तो जो एक गलत ओवरटेकिंग है या लेन में लेन का फॉलो नहीं करना या स्पीड लिमिट से ज़्यादा जाना, ये आपको डेस्टिनेशन तक जल्दी नहीं पहुंचाता है। आप देखिए जैम कितने होते हैं जब ओवरटेकिंग गलत होती है, तो जो ट्रैवल टाइम है वो उतना ही रहता है। ये सिर्फ साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि हम जल्दी पहुंचेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली मेरी मीडिया फ्रेटर्निटी से, कि इस पर कैंपेन चलाया जाए। हमारे जो ट्रैफिक के टीम है उनकी जो डायरेक्शंस है, मेरे ऑफिस से कुछ आई है, उनकी वाइड पब्लिसिटी हो और सब आप लोग एक अप्रोप्रिएट और रेस्पॉन्सिबल ड्राइवर बने। क्योंकि हम अपने इन जानों का होते हुए नहीं देख सकते हैं, पूरे घर उजड़ जाते हैं। ये हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो ट्रैफिक के जो कवानीन है उनका उन पर अमल करें। और ये सारी प्रिवेंटेबल डेथ्स है, आगे से ऐसा ना हो। मैंने सैटरडे को ये बताया था कि मेरा जो मकसद है वो अनंतनाग में 0 ट्रैफिक डेथ्स रखना है, लेकिन बड़ी दुखद बात है कि संडे के ही दिन हमारे 2-3 ऐसे एक्सीडेंट्स हुए जो बिल्कुल प्रिवेंटेबल थे। तो आप घर जाके इस पर बात कीजिए। जो भी, जिसके भी हाथ में गाड़ी हो वो एक रेस्पॉन्सिबल ड्राइवर बने। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हमारी माएँ हैं यहाँ पे, आपके घर में भी जब 2-व्हीलर पे, चाहे बाइक हो स्कूटी हो, उस पर जब आपके बच्चे बच्चियाँ निकले तो ये देखिए कि उनके हेलमेट वो लगा के निकले। इससे कोई हीरो नहीं बनना है हमें, बाइक पे बिना हेलमेट ढूंढने से कोई हीरो नहीं बनता है। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट की वजह से जो एक माइनर ट्रॉमा हो सकता है गिरने से, अगर हेलमेट नहीं होगी वहीं पे वफात होती है, मौत होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स से भी कि घर में आप जिसके भी हाथ में गाड़ी दे, इंश्योर करें कि वो लाइसेंस है और उसको हेलमेट के साथ भेजा जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, इस पर मैं आप सबकी कॉपरेशन चाहता हूँ। और मैं म्यूनसिपैलिटी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप भी लगाया जाए इसी लेवल का, जिसमें हम इस पर बात कर लें और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम ये अक्रॉस द हमारी अर्बन लोकल बॉडीज करना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।